हेलो। कौन अरे कहाँ भैया, खेसारी भैया। कौन बोल रहे हैं भैया? अरे ये छोड़िए, हम कौन बोल रहे हैं ये बताइए, आप इतना गाना क्यों चुरा के गा रहे हैं यार? बोल कौन रहे हैं? अरे हम जो बोल रहे हो तो हम बोल ही रहे हैं, तो अभी आपको पता लगेगा हम कौन बोल, लेकिन इतना गाना क्यों चुरा के गा रहे हैं आप? बोल कौन रहे हैं बताइए ना पहले। अखिलेश कश्यप से पूछेगा, वो बताएंगे मैं कौन बोल रहा हूँ, लेकिन इतना चुरा के गाना क्यों गा रहे भाई, ये तो जवाब दीजिए आप। अरे भाई बोलो ना यार, मैं तो राहुल गांधी थोड़ी हो आप जी, मैं आपको तो अखिलेश कश्यप से पूछने जाऊंगा? हाँ फोन आपने ठीक है किया है भैया, ना आप मुझे, राहुल तो राहुल गांधी नहीं है, लेकिन ये जो बोलिए ना आप बोल कौन रहे हो पहले क्लियर तो करिए। मैं आजमगढ़ से बोल रहा हूँ, हाँ जंगल से कौन बोल रहे हैं धर्मेंद्र धड़कन। जी? धड़कन जी तो हाँ, कौन सा गाना आपका चुरा लिया हूँ मैं? मेरा गाना नहीं चुराए हैं आप, जो ये अखिलेश कश्यप जो गवाते हैं आपसे, वो आपका गाना, मैं मतलब जो पूछ रहा हूँ आपका, तो आप कौन है जिनका जिनका गाना चुराया हूँ मैं, वो आप उनके कौन लगते हैं? अच्छा मैं उनका भाई हूँ, गोलू अच्छा तो आप उनके भाई गोलू हैं। गोलू गुलजार का, गोलू गुलजार, ये कौन है? अच्छा उन्हीं के तो गाना है ये। हाँ, उन्हीं का गाना है कि कूद तो जाइब उनका जान, गाना है कूद जाइब जान हम कोरा में। खुद जबगाम कोरा में। अरे वही गाना आपने कितने आपका काल कल कितने कितने दिन पहले, कितने दिन पहले का गाना है आपका? कितने ये गाना जो आपने गाया है शायद कल लॉन्च हुआ है, कितने दिन पहले का आपका लिखा हुआ है और आपका गाया हुआ है? ये करीब 1 महीना पहले का लिखा हुआ गाना है, जबकि इसका आप पेमेंट एक भी। महीना पहले लिखे हैं, आपको पता होना चाहिए कि जब मेरा एसी का रिकॉर्डिंग हो रहा था, मेरा भतीजवा के मौसी का मैं सेलिब्रेट करने जब गया था ना भाई जी, धड़कन जी सुन लीजिए पहले बात। जब मैं गया था भतीजवा के मौसी का, 115 मिलियन जब हुआ था तो मैं सेलिब्रेट करने गया था, तो वहां पे मैंने 10 से 12 गाने गाए थे जिसमें एक गाना ये भी है। ठीक है, ये भी गाना एक है, आपने 1 महीना पहले गाया है और मैंने इसको 5 महीने पहले गाया है। आपने इसको 5 महीने गया और लॉन्च आपने आज किया, इसको कल किया, कल के डेट में है। बहुत सारे गाने मेरे लॉन्च हो रहे थे, तो धीरे धीरे ही होंगे ना भाई? अरे लेकिन कैसे धीरे धीरे, आप बोल रहे हैं आपकी लॉकडाउन। आपकी आपसे पूछ के थोड़ी कोई रिलीज करेगा अरे यार, आप मेरे से कैसी पूछ, बातें कर रहे हैं? देखिए मेरे से पूछ के नहीं लॉन्च होगा, जिसका लेकिन मीटर आपने, है, जिसका कंपनी है, कंपनी का अपना फॉर्मूला होता है ना भाई जी। अरे कंपनी में भाई जी, देखिए खेसारी भैया, कंपनी तो अब समझती है, जिस कंपनी से आप लॉन्च करेंगे उसका हाँ वो कंपनी समझेगी, बट प्रॉब्लम ये है कि आप मतलब गाना दूसरे का गाना क्यों गा देते हैं, पहले उसमें इंक्वायरी कीजिए ना, कहाँ गाना अरे हाई यार ये हाइलाइट। मेरे सामने लिखा, सुनो हेलो भाई, ये हाँ मेरे सामने लिखा हुआ गाना है, अब अखिलेश का से मेरे सामने लिखे, मैं वहीं पे बैठा था, एक दो शब्द मैंने भी डाला है उसमें, नहीं, और देखिए मेरे सामने का खेसारी लिखा भैया हुआ जी, गाना आपसे 6 महीना 5 महीना पहले गया हूँ भाई, आप अंतराजी से आपको पूछ, बता देना चाहता हूँ, और आपने 1 महीना पहले गया है, तो चुराया कौन? नहीं, देखिए आप खेसारी मेरे भैया, पास प्रूफ है भाई, मैं जब रिकॉर्ड कर रहा था ना उसमें उसका पूरा डेटो और डाटा के साथ वहां पे मौजूद है। देखिए देखिए आप ये गलत बोल रहे हैं, आप अंतराजी से बोलिए, इसका इस गाने का पेमेंट पूरा हो चुका है, ठीक है? और अरे अंतरा जी से मैं क्यों पूछूं यार, मैं गा के आया हूँ, अंतरा जी बाद में गाई है, कब गाई है ये मुझे पता नहीं है, अरे लेकिन मैं आपके अपना साथ में पार्ट गाई है गा ना के भैया, चला आया यार। आपके साथ में गाई है, लेकिन आप लोग ऐसा क्यों काम कर रहे हैं, मतलब दूसरे का गाना क्यों मेरे ठग साथ गाते में, हैं? अच्छे ही बताओ भाई, मेरे मेरे साथ में कोई थोड़ी गाता है यार, सब नहीं लोग गाता अपना अपना है, पार्ट गा के चले जाते हैं। हाँ वो पटना से गाते हैं, बॉम्बे से गाते हैं, मालूम है, लेकिन नहीं मतलब नहीं 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 लेकिन मैं पटना में ही रिकॉर्डिंग किया हूँ भाई, इस लॉकडाउन में मैं कहाँ जाऊंगा गाने के लिए भाई बताओ। आप कहीं भी, देखिए हमारा सिद्धांत है ये खेसारी भैया, आप कहीं भी रिकॉर्डिंग कराएं, लेकिन दूसरे का गाना मत चुराइए। अभी ये बताइए अरे आपने यार जो, भाई सुनो, हेलो आप गलत आरोप लगा रहे हो आप मैं मुझसे, गलत ठीक आरोप नहीं, देखिए मैं है? गलत आरोप नहीं लगा रहा हूँ, और ठीक मैं है? कहूँ जी आपने मेरा गाना चुराया तो मैं आपको बुरा लगेगा कि अरे अच्छा लगेगा? मैं कौन सा गाना गाया हूँ आपका बताइए, मैं मेरा जो तो है, जो भी आपने 1 महीना पहले रिलीज किया है तो मेरा मेरा 5 महीना पहले गया, तो मैं क्या, मैं तो आपको कॉल करने नहीं गया, और आपको समय से लग रहा है कम से कम 40 कॉल कर दिए, लगता है जो मैं मर्डर कर दिया हूँ किसी का, मर्डर, ये है? मर्डर जैसी बात है, आपका ये जो गाना है कितना गाना जाएगा, अभी अभी लाखों करोड़ों इसमें आप कमा सकते हैं, लेकिन आप 5 मिनट के गाना में लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन अभी बताइए अगला आदमी का गाना लिखा हुआ है पहले से, आप एकदम मतलब उठा के गा दे रहे हैं, कोई भाई मैं भी 5 महीने पहले गाया था भाई, धड़कन जी सुनिए, धर्मेंद्र धड़कन जी सुन लीजिए मेरी बात, मैं 5 महीने पहले गाया हूँ ठीक है, और आप 1 महीना पहले गाए हैं, दोनों में बहुत फर्क है। फर्क है, लेकिन आपका फर्ज बनता है एक बारी इंक्वायरी करना, क्योंकि आप इतने मैं इंक्वायरी मैंने कितने गाने का इंक्वायरी करेगा कोई, वही जो काम रह गया है अरे मतलब अभी ये बताइए आपको, आप, इंक्वायरी करके गाना चाहिए ना आपको इंक्वायरी, क्योंकि आपने 1 महीना पहले गाया, मैं गाना पांच ये महीने पहले गया हूँ। अभी ये हमारे भाई गुलजार भाई गाना गाए नहीं है, ठीक है? आपने गा के डाल दिया है, गाना गाए नहीं, गाना लिख के तो रखा हुआ है। रितेश पांडे का भी रिलीज हुआ है, सुनो रितेश पांडे जी का भी रिलीज हुआ है,
रितेश पांडे, सारे लड़कों का रिलीज हुआ। रितेश पांडे जी जो है उनका जो लखनऊआ वाला मैटर है वो सब हम नहीं जानते, लेकिन ये गाना है नहीं अभी यही गाना रितेश पांडे जी की जुबान से भी मैंने सुना। क्या सुने आप? ये आपका कौन पुअरा के गाला पकी का है वो जो गाना है उनका? देखिए क्या सारी भैया, रितेश पांडे जी का भी रिलीज हुआ था। देखिए आप इतने पॉपुलर हिट हो गए, आप इतने हाई स्टेज पे पहुंच चुके हैं, लेकिन भाई मेरे आया पैसा इल्जाम मुझ पे नहीं लगा सकते, ठीक है? लगा नहीं सकते लेकिन क्योंकि ऑलरेडी मैं 5 महीना पहले गा चुका हूँ गाने को, आपने 1 महीना तो चुराया गाने हैं, हमने नहीं। देखिए आपके ऊपर ये शोभा नहीं देता खेसारी भैया, आप समझिए प्लीज। नहीं समझा, आप समझा करो। आप इस सबसे बोल रहे कि आप गाना क्यों चुराते हैं, किस आपसे आपने बोला, मुझे बोला भाई जी कि मैं आपका गाना चुराया हूं। लेकिन आप, मैं गया था लॉकडाउन में चुराने के लिए गाना। आप क्या बोले हैं अभी लाइव में आके, कुछ समय लाइव में आके बोले भैया हम ना गाना गा सकते हैं ना कोई काम कर सकते हैं, सीधा घर में लॉकडाउन की तरह बैठे हुए हैं, तो आपका गाना लाइव कहाँ हो पा रहा है जब आप निकल रहे हैं? बात बताओ आपको, सुनिए। हेलो, हाँ बोलिए, बात सुन लो यार, पहले बात सुनो आप, उसके बाद बात बोलना। मैं लॉकडाउन में कहीं नहीं जा रहा हूँ और आपको पता होना चाहिए, अभी तक ना ही अभी गाना होगा ना तो मेरे पास 40 गाने ऐसे हैं जो मैं गा कर छोड़ा हूँ। देखिए आप मतलब आप सीधा लाइव में, अगर आपको पता ना होना तो आप पूछ लेना आशीष वर्मा के पास, कम से कम 15 गाने हैं मेरे पड़े हुए। देखिए खेसारी भैया हम इतना, गाजीपुरी के पास कम से कम 15 गाने पड़े होंगे मेरे, आप किसी से शंकर सिंह के पास कम से कम ना भी गाने होंगे तो मेरे 15 गाने पड़े होंगे। हम देखिए किसी से पूछने नहीं जा रहे, आपका नंबर था इसलिए मैंने आपसे तो फिर ऐसा सवाल करने का क्या रीजन है आपका, बताओ ना मुझे। लेकिन आप अपने मुंह से खुद ही बोले हो लाइव में आके कि मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन गाना बिल्कुल नहीं निकल रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी पहले के गाने गाए हुए हैं भाई मेरे, पहले का आपका गाना गाया हुआ है ही नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। आपके गाने से मैं मान लूं, अभी मानना पड़ेगा। आप मेरे पास आए थे, मैं आपको सफाई क्यों दूं भाई, मुझे बताओ पहले। नहीं सफाई, हाँ सफाई आपको देना पड़ेगा। आप फोन सुनिए, आप फोन रखिए भाई, आप कंपनी में फोन करिए, और आपके पास अगर आपको पावर है वो क्षमता है तो आप कंपनी से बात करिए, समझ लीजिए। मेरे पास प्रूफ है, जब आप मुझ पे केस करेंगे चाहे मेरे पे बात करेंगे तो मैं प्रूफ दिखाऊंगा ना, मेरे तरफ से भी जो मेरा बजट होगा, जो मेरा वकील होगा वो बात करेगा आपसे। आप अपने मुंह से, मेरे पास ऑलरेडी 5 महीना 6 महीना पहले का प्रूफ है धर्मेंद्र धड़कन, सुन लो भाई। हाँ जी भैया खेसारी भैया, आप अपने मुंह से मकर रहे हैं लेकिन आपने जो बोला है वो बात मुकर नहीं है। क्यों मैं नहीं, अरे यार सुनो भाई, मेरी बात सुनो, आपके पास जो प्रूफ है आप भी केस कर लो, और मेरे पास जो प्रूफ है मैं उसको लेकर केस करूंगा, काम खत्म, इसमें बहस करने की क्या जरूरत है? आप लोग भारी भारी आते हैं। मैं जब रिकॉर्डिंग किया था ना तो उस समय का डाटा पड़ा हुआ है, सुनो भाई मेरे, जब मैंने किया था ना तो उस समय का डाटा ऑलरेडी पड़ा होगा वहाँ पे, ठीक है? डाटा पड़ा होगा, कुछ नहीं पड़ा है आपके सारी भी आप वो डाटा पड़ा होगा, वो डाटा पड़ा है और बाकायदे ऐसे में गाना कोई नहीं गाता, ठीक है? देखिए अभी इसमें खेसारी भी आप झूठ बोल रहे हैं। अब आपको आपके कहने से मैं थोड़ी मान लू कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप बोलो, मैं कुछ बोलने थोड़ी जा रहा हूँ। आप अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो भाई, और मैं अपने दूसरे के गाना आप मन निकालो ना, मैं यही ओके 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 ओके। आपको आपको जो लगता है अगर आपका वो गाना है तो आप प्रूफ लेकर आप केस करो, कंपनी पे करो, राइटर पे करो, कलाकार पे करो, क्या फर्क पड़ता है यार, बात करने से कोई मतलब नहीं। यही बात जो है आप फोन में जो बोल रहे हैं और रिकॉर्डिंग लाइव में आके आप सफाई देते हैं, लेकिन अगर अलग से कोई एक आदमी प्रेजेंट में बात करें दबा देते हैं। सुनिए मैं बात से दबा नहीं रहा हूँ आपको, आपके पास अगर लगता है कि आपके पास तो आप पहले गाना है मेरा बाद में है तो आप एक काम करिए, मेरे पास भी अपना डाटा पड़ा हुआ है कि मैं कब गाया था गाना को। अच्छा ये बताइए आपका 5 महीने का गाना गाया हुआ है, आपके पास क्या सबूत है ये 5 महीने का? वही सबूत तो मैं बोल रहा हूँ, सबूत में तभी तो मैं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं है क्या सबूत आपका, है क्या सबूत? डाटा होगा भाई, जब रिकॉर्डिंग होता है ना तो ऑलरेडी उस डेट का डाटा होता है। हाँ वो तो मालूम है, ठीक है, हाँ तो उस डेट का डाटा है, जाकर पता कर लो, कंपनी से पूछो, कंपनी बता आपको, ठीक है? लेकिन आप कितना झूठ बोलोगे कितना नहीं झूठ बोलोगे अभी तो हमें नहीं मालूम। आपको लगता है, सॉरी यार, अगर आपको लगता है झूठ बोल रहा हूँ तो ठीक है, आप उससे लीगल जाओ ना यार, काहे के लिए भी मतलब बहस करने का कोई मतलब ही नहीं ना। बहस देखिए, मुझे बोलोगे मैं आपको बोलूंगा, कोई मतलब नहीं भाई। देखिए हम बहस नहीं कर रहे हैं, हमने आपको, देखिए धर्मेंद्र जी देखिए बात वहाँ नहीं है, मैं जो हूँ मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, अभी और मुझे सर्टिफिकेट चाहिए भी नहीं कि मैं क्या हूँ। दूसरी चीज, आप चोरी की जो इल्जाम लगा रहे हो तो मैं 5 महीने पहले, हाँ हो सकता है कि आपका 5 महीने पहले का गाना होगा तो मैं मानता कि हाँ 5 महीने पहले का आपका गाना गाया हुआ है और आप का चुरा लिया। अरे यार कोई कहाँ से चुरा ले गया, आप कहाँ रहते हो, मैं कहाँ रहता हूँ मालूम है? अभी देखिए आप मेरी बात से पटना से चले गए वहाँ पे, आपके कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा एक बात और मेरी बात सुन लीजिए,
मैं आपको कुछ दिन पहले, आप मेरे को पहचान नहीं लेकिन अभी मैं बताऊंगा आप पहचान जाएंगे, ठीक। मैं आपको कुछ दिन पहले धर्मेंद्र जी मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ, अखिलेश कश्यप बक्सर के हैं, ठीक जी, वो रहते हैं पटना में, मैं रहता हूँ बॉम्बे में भाई। यस यस, आपका गाना कैसे चोरी कर लिया, आपसे कभी मिला मैं? देखिए गाना चुराने का मतलब अलग तजुर्बा रहता है जैसे, तो मुझे बताओ ना वो रीजन तो बताओ ना, चोरी कैसे किया मैंने? चोरी तो लोग अच्छे अच्छे घर में कैसे कर लेते हैं वो तो कोई पता ही नहीं पाता, लेकिन अभी ये गाना भाई बताओ तो पहले तो आप भी बताओगे ना जो कैसे कैसे किसी के घर में चोरी होता है तो दरवाजा टूटता है या शीशा फूटता है या गेट टूटता है, लेकिन आज के घर में चोरी हुआ तो कैसे हुआ? आजकल का ऐसा जमाना है, टेक्निकल सिस्टम चल रहा है, कोई पता नहीं कैसे निकाल, आपका सिस्टम हैक कर लिया गया नहीं हमारा? हाँ फिर वही बात है ना भैया, अभी देखिए आपका सिस्टम हैक तो हो गया, आप हमको क्या बोले अभी कि कौन बोल रहे हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। आपसे करीब मैं एक महीना पहले आपको अपने व्हाट्सएप से, मैं आपके व्हाट्सएप पे एक चीज डाला था जो कि आपके लड़की के बारे में कुछ गंदा गंदा ऐप निकला था, मैं डाला था वही मैं धर्मेंद्र हूँ, मैं किसी के बीच में नहीं पड़ता खेसारी भैया, जो गलत रहता है मैं उसी के पीछे भागता हूँ भाई। मैं तो आप कैसे मान लिए कि मैं गलत हूँ और वो सही है? अभी आप मेरे को पहचाने ना, मैं अपने ही व्हाट्सएप से आप मैं क्या बोल रहा हूँ धर्मेंद्र, सुनिए आपको कैसे पता कि मैं गलत हूँ और वो सही है? गलत ये हिसाब से है कि अगला आदमी मतलब इतना रो रहा है, इतना तड़प रहा है, अखिलेश का मतलब जो रो रहा है वो सही होता है, जो रोता है वो सही होता है। अरे लेकिन आपके ऊपर ऐसा शोभा नहीं देता ना, मतलब आप कुछ भी करो और थोड़ा सा बात में करिए कि क्या होगा क्या नहीं, ठीक है? ये मार्केट है और मुझे जो बेस्ट लगता है मैं अपने करियर के लिए सोचता हूँ। हाँ तो आप अपने करियर के लिए सोच रहे हैं, आपका करियर इतना ऊंचा हो गया है कि हर कोई आपकी बात। लेकिन मैं अच्छी बताऊँ, मेरे पास गाने की कमी है, मेरे पास राइटरों की कमी है कि मैं किसी के तरह के गाना गाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, आपके पास राइटर की कमी नहीं है बट लेकिन ये काम खराब है। देखिए आप हमको बात से नीचे गिरा रहे हैं, ठीक है? आप उनको नहीं, आप उनको आप उनकी तबीदारी कर रहे हैं कि वो रो रहा है, तो वो रो रहा है तो वो सही है। नहीं नहीं, और मैं नहीं रो रहा हूँ तो मैं गलत हो गया। देखिए जो आप हैं वो मैं भी हूँ, आप भी एक यादव हैं, मैं भी एक यादव हूँ, लेकिन कितने लोग बोलते हैं ना यादव को पक्ष खींचा जाता है, लेकिन मैं नहीं खींचता हूँ, जो गलत रहता है मैं उसी पीछे। अरे भाई मेरे तो यादव और ये इसमें यादव कहाँ से आ गया यार? नहीं नहीं, जैसे एक बात होती है आप बोल रहे हैं कि उनका पक्ष यादव कहाँ से आ गया? आप बोले हमारी कोई जात नहीं है, हर जात के लोग हमारे साथ काम करते हैं। नहीं नहीं, आप बोल रहे हैं कि जैसे उसका पक्ष आप खींच रहे हैं, उनका पक्ष आप खींच रहे हैं, तो मैं किसी का पक्ष नहीं। तो आपने कैसे साबित कर दिया कि वो सही है मैं गलत हूँ? क्यों आप बताएंगे मुझे? मेरे सामने आप वकील हैं, आप जज हैं, आप कि ज्योतिषी हैं कि आपको पता चल गया कि नहीं मैंने गाना चुराया है? अभी देखिए आप मेरे को बोल देगा और आप नहीं, 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 नहीं देखिए आपसे मैं कभी भी बात करता हूँ, दो चार आप ये बताइए मुझे कि आप ज्योतिषी तो हो नहीं, अगर कोई आके बोल देगा जो फलनवा मुझे गाली दिया तो मान लोगे आप? कान को कौवा कान ले गया तो कौवा के पीछे भागोगे? मतलब कि आपको ये नहीं लगता कि मैं ही आपको एक शिकायत दे रहा हूँ, आपको और कोई शिकायत नहीं दिया है गाना चोरी के बारे में? नहीं, मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया। ये भी आप झूठ बोल रहे हैं, कितने लोग आपको देख चुके हैं? किसी ने नहीं दिया? मैं भी नेट चलाता हूँ, मैं भी यूट्यूब चलाता हूँ, मैं भी देखता रहता हूँ कौन किसके पीछे भाग रहा है। यूट्यूब चलाने दीजिए, कोई फर्क नहीं, यूट्यूब का कोई मैसेज ही नहीं पड़ता हूँ भाई, मेरे पास उतना वक्त ही नहीं है, मैं अपने काम में व्यस्त रहता हूँ। हाँ ठीक है भैया, मैसेज देखना हूँ और ना ही फेसबुक का मैसेज देखता हूँ। नहीं नहीं नहीं, पड़े रहिए आप, पड़े रहिए भैया, पड़े रहिए, दूसरे का गाना उठा के गाइए आप, पड़े रहिए। हाँ आप अपने मन से कुछ भी कहना है कहिए, आपको आजादी है, मैं आपको बोल थोड़ी रहा हूँ। आप बोलते हैं ना कि जनता हमको कुछ भी कहे हमको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप कुछ भी उठा के गा देते हैं। जनता ये जनता ठीक है, जनता है, आप जनता बन के सुनते हैं। उसी 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 जनता में तो मैं भी तो एक हूँ। ठीक है ठीक है, आप जनता है तो आप किसी का सुन के किसी पे क्लेम लगा दोगे? क्लेम नहीं लगा रहे, जो बात हकीकत है, जो बात हकीकत वही तो आपसे मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप मेरे को बात से गिरा रहे हैं, इधर उधर घुमा के आप मेरे को बात से गिरा रहे हैं। आपके पास प्रूफ है तो उस प्रूफ को भेजिए। हाँ ठीक है, कंपनी के पास जो प्रूफ हो गया प्रूफ भेजेगा, मैं आपको प्रूफ देता हूँ। ठीक है, मैं आपको करीब एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते बाद फिर गाने को कम से कम 7 लोग और गा चुके हैं। नहीं नहीं, कितने लोगों को दबाइएगा? आपको मैं एक हफ्ते बाद आपको प्रूफ देता हूँ। अब दो ना यार, मुझे क्या फर्क पड़ता है, वो कंपनी में भेजो, मुझे मत भेजो, कंपनी का मैटर है। नहीं नहीं, कंपनी से बात करो, गाना आपने गाया, कंपनी से क्यों बात करोगे भाई? कंपनी से क्यों बात करोगे? क्योंकि अरे आपने गाना गाया, क्यों बात करोगे? आदमी मुझसे क्यों बात करोगे भाई? आपको पकड़ेगा कि कंपनी वाले को पकड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, आपके पास नंबर है तो इसका मतलब थोड़ी है, आप जब चाहोगे तब। अरे हम देखिए आपके पास जल्दी फोन नहीं लगाते, ठीक है? एक महीना, चार महीना, पाँच महीना कर चुके होते, पता नहीं भाई। तो एक बार कर चुके हो,
क्योंकि तकलीफ लग रहा है किया किसी नहीं, तकलीफ तुम 40 कॉल कर दी तकलीफ था इसके लिए मैं आपके पास फोन किया, ऐसा मैं फोन नहीं लगा तो गलत तकलीफ है ना, या तकलीफ आपको गलत किया है आपको आपके प्योर का बात तुम क्या किसी पे ब्लेम डाल रहे हो। आपके पास 5 महीने पहले गाना गया होली के टाइम पे गया हूँ ठीक है, अगर आपके पास होली से पहले का प्रूफ हो तो भेज देना ठीक है। हाँ हाँ नहीं नहीं आप 5 महीने